नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर बस अड्डे पर सफाई व्यवस्था पर एक बार फिर से लग रहा प्रश्न चिन्ह। बस स्टैंड पर देखने को मिल रहे कूड़े के बड़े बड़े ढेर। अड्डा इंचार्ज ने कहा कि पहले से ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हमीरपुर में हुई संपन्न। बैठक की अध्यक्षता की जिला अध्यक्ष लाल चंद मस्ताना ने। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने जिस तरह से प्रदेश व अपनी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को सदन के भीतर मजबूती से रखा, उन पर सरकार ने भी अपनाया सकारात्मक रवैया। एक दर्जन के करीब लोगों ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का थाम लिया दामन। अवाह देवी से पट्टा बाया गुड़ोला मार्ग को एक परिवार की ओर से बंद करने पर प्रभावित परिवारों में आक्रोश। समस्या के समाधान की गुहार लेकर उपायुक्त हमीरपुर के कार्यालय पहुंचे गांव के 3 दर्जन से अधिक परिवार।